सबसे पहले तो मैं सईद अहमद सैदी साहब आपका और चौधरी इशफाक साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने बहुत ही शार्ट नोटिस पे तमाम मौजूदीन इलाका जो हैं यहाँ पर जमा हैं। आपको मालूम है कि फ्रांस में हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तमाम मुस्लिम लीडर्स जो हैं मुस्लिम उम्मा के सब को इस बारे में खतूत भी लिखे हैं कि किस तरीके से एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि ये जो घनौने अजायम हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के, उनको हम रोक सकें। तो उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बड़ी लंबी स्ट्रगल है लेकिन पॉसिबल है। हमने बरतानिया में भी ये इशू था तो हमने हुकूमत से लॉबी किया, अपोजिशन पार्टी से लॉबी किया, ह्यूमन राइट्स अदारों से लॉबी किया, और हम उनसे कहा कि भाई आज़ादी तहरीर और तकरीर बिल्कुल हम इसके हक में हैं, आज़ादी तहरीर और तकरीर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी तहरीर या ऐसा एक्शन जो दुनिया के 1.5 बिलियन लोगों की दिल आज़ादी करे वो आज़ादी तहरीर और तकरीर नहीं है। तो उसके बाद बरतानिया में ये लेजिस्लेशन हुई कि अब अगर किसी के भी कोई हर्ट करेगा फीलिंग को, रेशियल मोटिवेशन हो या रिलीजियस हो, तो ये क्रिमिनल अफेंस है वहाँ। इसलिए आपने देखा होगा कि वहाँ पर कभी भी हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी जो है बरतानिया में किसी गुस्ताख ने गुस्ताखी नहीं। तो इसके लिए इंशाल्लाह बैन अल-कौमी सतह पर भी हम कोशिश करेंगे कि कानून साजी की जाए यूरोप में और बरतानिया में, तो ऑलरेडी है अमेरिका, कनाडा, दूसरे मुल्कों में, ताकि ये मुस्लिम अगेंस्ट जो एक प्रोपेगंडा है उसको हम जायल कर सकें।